तो जैसे कि कोई भी चीज आप बनाते हो नॉर्मली, अगर मैं कुछ भी यहाँ से फाइल में जाता हूँ, न्यू सीन तो हो ही चुका है मेरा, पॉली में आता हूँ, पॉली में कुछ भी एक स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह कुछ भी बनाता हूँ, और जैसे कि इसको सिलेक्ट करके मूव टूल से ऊपर लेता हूँ, तो इसके डिटेल्स जितने भी होते हैं वो कहाँ दिखते हैं? तो डिस्प्ले में आप अगर जाओगे तो यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे पॉली काउंट करके लिखा हुआ है, ये ऑन कर दो जिससे कि यहाँ पर एक छोटा सा बार आ गया। अभी इसमें कैसे है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे एजेस कितने हैं, तो 12 एजेस है टोटल, आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। फेसेस कितने हैं, तो 6 फेसेस है, अप डाउन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उस टाइप का, मतलब लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक और टॉप बॉटम, तो टोटल 6 फेसेस है। ट्राइस कितने हैं, ट्राइंगल्स कितने हैं यहाँ पर, तो ट्राइंगल्स है ही नहीं, बराबर है, लेकिन यहाँ पर ट्राइस क्या बता रहे हैं, 12 बता रहे। 12 किस हिसाब से बताते हैं, वो 6 फेसेस को डबल कर देते हैं, मतलब अगर मैं इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनेगा, उस हिसाब से उसने उसको डबल कर दिया। और यूवी कितने हैं, यूवी 14 यूवीज है, 14 कैसे उसने काउंट किए, बाहर के और अंदर के दोनों काउंट किए, तो वो सब भी वो काउंट करके आपको दे देता है, अगर 4-5 ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, तो वो सारे ऑब्जेक्ट का आगे दिखाएगा टोटल, और जिसको सिलेक्ट करोगे उसका पीछे दिखाएगा, और राइट क्लिक करके अगर मैं फेस करूँ और जो क्लिक करूंगा वो यहाँ पर बताएगा, तो तीनों डिटेल्स आपको मिलती लाइन बाय लाइन। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है, जैसे कि फर्स्ट वाला जो है वो ऑल ऑब्जेक्ट जितना भी आपने बनाया होगा वो सबका जो सिलेक्टेड रहेगा उसका सेकेंड में, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स आप सिलेक्ट करोगे वो थर्ड में। जैसे कि देखोगे थर्ड में मैंने कुछ सिलेक्ट किया है, 3 फेसेस सिलेक्ट किए और 6 ट्राइज सिलेक्ट किए, तो ऐसा कुछ। वही अगर मैं एजेस करूँ तो एजेस का भी वो बताएगा, 5 एजेस ही सिलेक्ट किए, तो ऐसे आप अलग अलग चीजें भी देख सकते हो। तो इसकी मदद से ही यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो ये सब टेक्सचर की मदद से किया जाता है। कोई कोई चीज होती है जो मुझे मतलब बम्प वगैरह डालना पड़ता है, वरना जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ये वाला नाइफ लेते हैं, तो ये कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेजेस, कहाँ सेव करोगे, जहां पर आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे कि मैंने डेटा में 3D डायमेंशंस, यहाँ पर नीचे आता हूँ और सोर्स इमेजेस में यहाँ पर मैं नाइफ करके डालता हूँ एंड सेव। जैसे ही सेव करोगे यहाँ पर सेव हो जाएगा, वर्टेड कर देता हूँ, और इमेजेस यहाँ से मुझे इंपोर्ट करनी है, कहाँ पर इंपोर्ट करनी है, तो मैं बोलता हूँ साइड व्यू में इंपोर्ट करवा लूंगा मैं, यहाँ से प्लेन इमेज पर क्लिक, प्लेन इमेज पर क्लिक करने के बाद नीचे नाइफ एंड ओपन। अब ये थोड़ा टेढ़ा है तो ई दबाओ और ई से मैं सीधा करवा, या फिर फोटोशॉप वगैरह में लेकर जाकर भी आप एडिट करवा सकते, कुछ इस तरीके से उसे सेट करो। सेट होने के बाद सिलेक्ट रखते हुए चैनल्स एट्रीब्यूट में यहाँ पर एक ऐड करो लेयर, लेयर के ऊपर नाम देता हूँ मैं रेफरेंस REF, सेव, और यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और लॉक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये अब मूव नहीं होगा। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ब्लेड, जैसे कि आज सिर्फ ब्लेड बनाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे का पार्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाया जाएगा, तो सिंपल है, सबसे पहले शुरुआत में क्रिएट में पॉलीगॉन में यहाँ पर इंटरएक्टिव ऑन रखता हूँ, जिसकी मदद से मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा ही बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, हो गया, और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दो। अब मुझे ये भी दिख रहा है तो मुझे ये नहीं दिखना था, तो मतलब शेडेड व्यू, तो 4 दबाता हूँ, तो 4 दबाने से कुछ इस तरीके से राइट क्लिक, वर्टेक्स पे आ जाता हूँ, वर्टेक्स सिलेक्ट और मूव टूल की मदद से कुछ ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा सा आगे रखता हूं, और ये वाला जो पार्ट है वो यहां पर खत्म होगा, जैसे कि जो नाइफ के अंदर जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो यहां पर जो नाइफ के अंदर जा रहा है, मैक्सिमम पार्ट अंदाजे पे चलेगा, तो ये ध्यान में रखना कि ऊपर के ऊपर ना बनाओ, थोड़ा अंदाजा भी लगाओ कुछ इस तरीके से। अब इसका जो देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये अभी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इमेज जो है वो ज्यादा ही आगे आ गई है, तो उसे पीछे ढकेल देता हूँ,
और लॉक करता हूँ। क्लियर? जैसे कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा। अब रिटर्न साइड व्यू, अब इसको शेप देना। शेप किससे दोगे? जैसे कि हम लोग ने मल्टी कट बहुत बार यूज किए हुए, तो सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, मल्टी कट ले लो शिफ्ट प्रेस करके, कंट्रोल दबाकर, जहां जहां पर आपको जरूरत लगती है वहां वहां पर। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक चाहिए मुझे, यहाँ पर एक चाहिए, यहाँ पर एक चाहिए, जो कि यहाँ पर रुकेगा, ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पर रहेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ऐसा कुछ। जरूरी नहीं है बाहर का ही पार्ट लो, अंदर का भी पार्ट ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो कि अंदर का हिस्सा लिया होगा, ये भी अंदर का ही है, तो राइट क्लिक वर्टेक्स पे आ जाओ और वर्टेक्स को सबको एडजस्ट करो वापस, जैसे कि कुछ इस तरीके से। ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आगे के सारे पॉइंट्स और यहाँ तक, तो कुछ इस तरीके से। अभी मैं दूसरे व्यू में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम एक ही व्यू में है, तो उस हिसाब से भी काम चलता है, तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखो। थोड़ा जूम करो, इसको लेता हूँ कुछ यहाँ तक। जैसे कि ये वाला पार्ट जो है वो मैं एक्सट्रोड की मदद से भी बना सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हो। जैसे कि मैं इसे यहाँ पर रख के इसको यहाँ पर रख सकता हूँ, कि यहाँ वाला पार्ट इधर से एक्सट्रोड होगा करके, तो इसे थोड़ा यहाँ पर ले ले, और ये वाला जो पार्ट है वो एंड मेरे नाइफ का, यहाँ पर भी सेम। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे ले रहा हूँ या फिर ऊपर ले लो, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि नीचे ले लो। क्यों? क्योंकि इतना जो पार्ट है वो मैं एक्सट्रोड करके भी निकाल सकता हूँ, जो कि यहाँ पर सब जगह मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। मैक्सिमम काम आपको अंदाजे से ही करना है, कोई भी आपके पास मतलब ये है नहीं अभी फिलहाल के लिए, और इसका फ्लो ध्यान में रखो। जैसे कि देखो कि ये टेढ़ा आ रहा है, तो इसे थोड़ा सीधा कर लो, ऐसा कुछ, तो फ्लो भी बहुत जरूरी है, कुछ इस तरीके से। जूम करता हूं, यहाँ का मुझे भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अंदाजे से लगा रहा हूं, क्योंकि उसका कलर का थोड़ा सा इश्यू है और ब्राइटनेस का भी, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। ये देखो, अब इसमें मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ फ्रंट पार्ट जो आधा पार्ट है उसकी जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ रिटर्न मल्टी कट लेता हूँ और इसे हाफ में कर लेता हूँ, क्योंकि नाइफ इतना मोटा होने वाला है नहीं, जो कि इसका डबल रहने वाला है, तो उस हिसाब से मुझे बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ इतना कर देता हूँ, और फेसेस पे आकर जो टॉप व्यू है मेरा, कंट्रोल जेड अंडू क्यू राइट क्लिक फेसेस एंड जो भी एक्स्ट्रा फेसेस है वो डिलीट। ध्यान रखो इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ बाहर रहेगा उतना ही। उसके बाद इतना तो पार्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये वाला जो पार्ट है वो ज्यादा अंदर है और ये वाला जो पार्ट है वो बाहर है, तो उस हिसाब से एक और मल्टी कट, और मैं बोलता हूं यहाँ पर मुझे एक कट चाहिए, कुछ इस तरीके से, और फिर से उनको एडजस्ट करो। जैसे कि ये वाला जो है यो इसके लाइन पर रहेगा, ये वाला जो है वो इसके कॉर्नर पर, अगर परफेक्टली नहीं जम रहा है तो ये क्या है वर्टेक्स है, तो वी दबाओ और ये पॉइंट को लेकर वर्टेक्स से स्नैप कर दो, क्योंकि वो वर्टेक्स से वर्टेक्स को स्नैप करवा देगा। जैसे कि ये वाला जो है वी दबाओ क्लिक एंड ड्रैग, वो खुद ही स्नैप करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि फ्लो थोड़ा खराब हो सकता है, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा बाद में, तो ये अंदाजे से लगा लो
और इसको भी यहां पर ही लेकर आओ, जिससे कि फ्लो मेंटेन हो जाए। फ्लो बहुत जरूरी होता है, वरना पैचेस दिखाई देते हैं, तो फ्लो पे ध्यान दो। जैसे कि इसको क्लिक करता हूँ, वी दबाकर रिटर्न स्नैप करवाता हूँ कि गड़बड़ ना हो, फिर इसको मेंटेन करो। जैसे कि ये कुछ यहाँ तक, इसे यहाँ तक, जैसे जरूरी पड़े उतने आप एजेस डालो, लेकिन लिमिट के ज्यादा नहीं। कभी भी पहले लो पॉली में ही बनाओ। जैसे कि देखोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा इतना कट, फिर ये वाला थोड़ा सा एडजस्ट कर लो कुछ इस तरीके से, हो गया। अब ये जो नीचे का पार्ट है वो अंदर जाएगा, जो कि मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं, ये देखो यहां पर ये वर्टेक्स दिखे, तो इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, वी स्नैप इसके साथ। और अभी इन वर्टेक्सेस की जरूरत भी नहीं है मुझे, तो दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज मर्ज वर्टेक्सेस टू सेंटर। ये भी करना मत भूलो, क्योंकि देखोगे दो वर्टेक्स है वहां पर, तो एक हो गए ऐसा कुछ। अब ये कहाँ कहाँ से ज्वाइंट है, यहां से और नीचे के पार्ट, तो उस हिसाब से मैं सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 ऐसा कुछ। आई थिंक ये वाला भी पॉइंट है, हाँ ये वाला भी पॉइंट है, तो ऐड कर लो। अब ये वाले भी है नीचे के, कंट्रोल अंडू, ये थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ऐसा कुछ। यहां पर भी चेक करो, जैसे कि ये लास्ट रहने वाला है ये वाला, और फ्रंट व्यू से अंदर की तरफ देखो ऐसा कुछ। लेकिन यहां पर देखो कि एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहां पर एक डेंट टाइप भी आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, वी दबाता हूं और थोड़ा सा अंदर की तरफ लेता हूं, ये देखो। तो यहाँ पर एक पॉइंटेड टाइप आएगा, ये वाला चेक करो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट बाहर ले लो, नहीं अंदर ही लेना पड़ेगा, उसके साथ ये वाला भी पॉइंट अंदर ले लो। अब यहाँ पर सिलेक्ट करो, मर्ज वर्टेसेस टू सेंटर, सिलेक्ट जी जी, जिसकी मदद से वो मर्ज हो जाएंगे। जी दबाओगे तो स्टेप रिपीट होगा, तो आपको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पर भी देख सकते हो कितने वर्टाइसेस है, दो है, तो वहां पर दो रहकर फायदा ही नहीं है, इसलिए मैं एक में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसा कुछ। देखो अब चाहिए तो फ्लो में आने के लिए, थोड़ा सा अच्छा फ्लो दिखने के लिए, इसे भी थोड़ा सा ऐसे मेंटेन कर सकते हो, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन देखो कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हिस्ट्री क्लीन करता हूँ, और यहां पर जहां पर मैंने एक लाइन दी हुई है उस एज को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ तक रहने वाला है करके, यहां तक। आई थिंक ये नहीं आएगा, ये आएगा, और बेवल करता हूं, और बेवल में एक सेगमेंट दे दो और फ्रैक्शन थोड़ा सा कम रखा ऐसा कुछ। लेकिन एक फ्रैक्शन देने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा लूप एजेस आ चुका है, जो कि यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया था मैंने, तो सिलेक्ट करो प्रॉपर कुछ इस तरीके से और बेवल दे दो, फिर भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को लेता हूं, तो ये यहां पर आएगा, जिनको मैं लास्ट में मर्ज करवा सकता हूं, और यहां से थोड़ा सेगमेंट कम कर दो। एक शार्पनेस भी आएगी, और अब ये वाले जो वर्टाइसेस है उनको सारों को मर्ज, क्योंकि मुझे वहां पर कुछ जरूरत ही नहीं थी। हो गया, देखोगे एक शार्पनेस भी आ चुकी है यहां पर। ये वाला देखो कि यहाँ पर कुछ इश्यू हुआ है, जैसे कि ये वाला जो है राइट क्लिक वर्टेक्स,
यहाँ पर आता हूँ, मूव टूल, कुछ यहाँ पर, यहाँ का जो फ्लो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ, तो उसे मेंटेन भी करो। ये देखो हो गया। इसके बाद ऊपर का पार्ट बचा हुआ है, ये नीचे का तो मैं करूंगा, उसके पहले ऊपर का करूंगा। ये वाला जो स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है वो एक टेक्सचर है, तो टेक्सचर डालने की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑल, फेस, और यहां पर आता हूं और यहां से सिलेक्ट करूंगा और नीचे देखूंगा, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये एंड ये, शिफ्ट दबाकर एक्सट्रूड, ऐसा कुछ, सब एक्सट्रूड हो चुका है। अब उनको एडजस्ट करो, वर्टेक्स कुछ इस तरीके से। इनको भी आपको चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा एजेस यहाँ पर बढ़ा सकते हो, एक एज देकर अंदर दे सकते हो वगैरह, लेकिन वो लास्ट में किया करो, पहले मत किया करो। लास्ट में करोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, पहले करोगे तो एजेस ज्यादा हो जाएंगे तो काम करने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए देखोगे मैं पहले आउटर जो लुक है वो ले रहा हूं, उसके बाद अंदर पे काम करना है तो कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो इसे मैं यहां पर भी रख सकता हूँ या फिर यहां पर भी रख सकता हूँ, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है मुझे, आगे जाकर मुझे थोड़ा एक बार और एक्सप्लोर करना है, तो यहां तक रखता हूँ, मल्टीकट लेता हूँ, यहां पर एक एज डाल देता हूँ, वर्टेक्स, इसे रखता हूँ यहां पर, इसे भी नीचे ही ले लेता हूँ, और फिर फेस, और ये वाला जो फेस है उसे एक्सट्रूड कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये देखो ऐसा कुछ। अब यहाँ का जो पार्ट है वो चक्कू के अंदर भी जाने वाला है, यह वाला, तो राइट क्लिक, फेस, और यहां से ये चारों पार्ट सिलेक्ट करता हूं और एक्सप्लोर करके अंदर ले लेता। और अंदर लेते वक्त ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ, क्योंकि ये वाला पार्ट, और यहां से भी बाहर ना आए, तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, हो गया। देखो कुछ इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखो ये फेसेस जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं वो मेरी जरूरत के नहीं है, तो वो डिलीट कर दो, जैसे कि ये दो, तीन, चार, पांच, कुछ इस तरीके से डिलीट, क्योंकि उनकी जरूरत मुझे नहीं है। अब बेसिक आउटपुट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक कर्व चाहिए था मुझे, तो शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, वर्टेक्स, वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और वर्टेक्स को अंदर ले लेता, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी फ्लो हो जाएगा, ये वाला भी परफेक्ट है, यहाँ पर भी ठीक ठाक ही है, मुझे इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये वाला पार्ट आ चुका, तो फेस, फेस पर आता हूँ, यहाँ से कुछ आई थिंक ये वाला भी प्रॉपर, ये वाला फेस है, कुछ इस तरीके से। शिफ्ट दबाकर एक्सट्रूड करूंगा मैं, आर दबाऊंगा, आर दबाकर छोटा, लेकिन इसमें ध्यान रखो छोटा करते वक्त प्रॉब्लम ये आती है ना कि अगर देखोगे यहाँ से छोटा करूंगा तो वो ऐसा कुछ शेप भी खराब करेगा, तो ऐसा ना करने से अच्छा वर्टेक्स पे आ जाओ और वर्टेक्स को अपने हिसाब से लगा दो। फिर रिटर्न फेस पर आओ, फेस तो सिलेक्टेड है ही, एक बार एक्सट्रूड, एक बार एक्सट्रूड और एक बार एक्सट्रूड, तीन बार कर देता हूँ, वर्टेक्स पे आ जाता हूँ एंड वर्टाइसेस को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता हूँ, कुछ इस तरीके। ये लो, अब हाँ इसके ऊपर थोड़ा और भी काम करना पड़ सकता है अगर आपको और अच्छा डिटेल चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर है इसके मुकाबले, तो वो तो मैंने किया हुआ ही है, थोड़ा बेवेल वगैरह भी देना पड़ सकता है, तो वो सब चीजें हम लोग बाद में करेंगे, पहले क्लीन कर देता हूँ, इतना हो चुका है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इसके बीच में ये तीन पार्ट है, तो ये कैसे करूंगा, तो ये भी बहुत आसान है, जैसे कि सिंपल मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, कुछ इस तरीके से। इसके जो सेगमेंट्स रहेंगे वो आठ
12 उससे ज्यादा नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि वो उतने ही आपको सेगमेंट्स बाद में देगा। तो मैं ये दो ऐसे कुछ बना लेता हूं, फिर यहां से मैं लेता हूं एक स्क्वायर कुछ इस तरीके से, फिर शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, दो क्लिक्स राइट क्लिक वर्टाइसेस, दो या फिर तीन की जरूरत थी टोटल, अगर मुझे और थोड़ा अच्छा चाहिए तो, जैसे कि शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट वर्टाइसेस, ये वर्टेक्स सिलेक्ट, मूव टूल से थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ क्योंकि वो बराबर डिस्टेंस पर नहीं था, और आर की मदद से कुछ सिंपली ऐसे बना लेना है। तीन पार्ट हो चुके हैं, इनको इंटरसेक्ट करवाना है जैसे कि आर पार, फिर वो कैसे भी रखो। हो गया आर पार। अब यहां पर एक हमें ऑप्शन है मैश में बुलियन करके, जो कि डिवाइडिंग के काम करता है। तो यहां पर देखोगे ए माइनस बी दिया हुआ है। ए माइनस बी मतलब क्या, ये मेरा ए है और ये मेरा बी, तो ए माइनस बी करूंगा मैं, तो मैश बुलियन ए माइनस बी, आप बी माइनस ए भी कर सकते हो। तो ए माइनस बी पे क्लिक करो, देखोगे कट हो चुका क्योंकि मैंने एक ही सिलेक्ट किया था। अगर दोनों करूंगा तो दोनों में कंफ्यूज हो सकता हूं कि कौन सा ए है कौन सा बी है क्या है। तो ये होने के बाद हिस्ट्री क्लीन कर दो, फिर रिटर्न ए माइनस बी, रिटर्न मैश में जाओ, जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट मोड पे आओ, कभी भी ए बी नहीं, जैसे कि यहां पर आता हूं बुलियन ए माइनस बी, जैसे कि देखोगे उल्टा हो गया क्योंकि मैंने इसको ए किया था, तो अब क्या कर सकता हूँ, बी माइनस ए कर सकता हूँ। फिर रिटर्न हिस्ट्री क्लीन करो, हिस्ट्री क्लीन करना जरूरी है। फिर और ये मैंने डायरेक्ट हिस्ट्री क्लीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ओवरलैपिंग करके ही बनाया हूँ, तो वो कुछ अंदाजा नहीं, इसलिए। तो ए माइनस बी करता हूँ, मैश बुलियन ए माइनस बी एंड हिस्ट्री क्लीन कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि उल्टा काम कर देता है, इसलिए हम लोग नहीं करते। उसके बाद ये जैसे ही हो जाता है, फेसेस पे आ जाओ, फेसेस अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, जो एक्स्ट्रा फेसेस आए हुए हैं क्योंकि वहां पर तो छेद है, परफेक्ट, तो यहाँ पर भी छेद होना जरूरी, कुछ इस तरीके से। बच हो गया छेद, ये बचा हुआ है डिलीट, कुछ इस तरीके से। इसके जो ये है एनगॉन्स, ये सॉल्व करने जरूरी है, ये एनगॉन्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एज सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, एज हटा दी मैंने पूरी की पूरी, यहाँ पर एज आई नहीं है और यहाँ पर भी आई थिंक नहीं आई है, तो कंट्रोल बैक स्पेस से एज हटा देता हूँ। फिर आपको मल्टी कट की मदद से खुद ही देना है, जैसे कि इसको मैं देता हूँ यहाँ पर, अच्छा सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, पहले हिस्ट्री क्लीन करता हूँ, मल्टी कट मैं चाहता हूँ यहां से यहां तक हो, कुछ एरर आ रहा है, नहीं राइट क्लिक से हो जाता है यहाँ पर कुछ क्लिक, राइट क्लिक फेस, नहीं परफेक्ट है, मल्टी कट, एनबोर्ड नहीं दिया तो क्या होगा? टेक्सचरिंग में प्रॉब्लम आएगी, टेक्सचरिंग में बम्प वगैरह छेद वगैरह आएंगे। यहाँ पर ऐसा आना तो नहीं चाहिए, शिफ्ट राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड मल्टी कट, बराबर है, मेरे साथ कैसे हो रहा था, मैं कर रहा था ना प्रैक्टिस एंटर, पट्टी कटने। चेक करते हम लोग, जैसे कि क्यू मल्टी कट के सेटिंग्स में जाता हूँ, रिसेट कर देता हूँ क्योंकि रिसेट करना भी जरूरी हो जाता है कभी कभी, और अब ट्राई करते हैं।
जगह पे एक बार मल्टीकार्ट लेके देखो। तो इसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी हो जाता है, तो करना क्या है, तो आपको ये पूरा यहाँ तक शायद से लेना पड़ सकता है। देखोगे यहाँ पर इस स्पेस में ही एरर आ रहा है, तो क्या करें, तो एक बार ये ट्राई कर सकते हो कि जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो हिस्ट्री पूरी क्लीन किया करो। कभी कभी हिस्ट्री के कारण भी वो नहीं बनाता, जैसे कि पूरा क्लीन हो चुका है। अब ट्राई करते हैं मल्टी कट, नहीं फिर भी नहीं हो रहा है। कुछ अलग ही एरर आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, फेस पर आ जाता हूँ, क्यू फेस सिलेक्ट डिलीट करता हूँ, और एच, और एच सिलेक्ट करने पे वो फेस क्यों ले रहा है। हाँ, ये दोनों एच को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड ब्रिज कुछ इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को सिलेक्ट। फेस वापस बना दूं। हाँ, वापस खुद के ही फेस बना रहा हूँ, लेकिन इस बार खुद के मर्जी से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ। अभी देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो जाएगा, लेकिन कभी कभार हम लोग ट्रायंगल रहने दे देते हैं, लेकिन एनगॉन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मटेरियल जो है वो डिलीट हो चुका है, तो राइट क्लिक करके एग्जिस्टिंग पर जाकर यहाँ पर कोई भी एक लैम्बर्ट दे दो, तो वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, एज डबल क्लिक एंड फिल होल कुछ इस तरीके से। तो देखो कि एक तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 पॉली बना हुआ है, सिर्फ दो ट्राइंगल्स ही बने हुए हैं ऐसा। तो ये सॉल्व करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तब जाकर टेक्सचर थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देगा। यहाँ पर भी देखोगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक वर्टेक्स टारगेट वेल टूल, और इसको यहाँ पर अटैच कर दूंगा कुछ इस तरीके से ऐसा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो रिटर्न मल्टी कट पे आ जाओ, और मल्टी कट के बाद ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर इस बार आ रहा है परफेक्ट, और 1 2 3 4 5 हो रहे रिटर्न, एनगॉन आ रहा है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके, ये ट्रायंगल बन रहा था, इधर ही लगा दो ऐसा। यहाँ के भी सब सॉल्व हो चुके हैं, और यहाँ पर अब जैसे कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर वो भी सेम है यार। एरर सेम आ रहा है, तो फेस पर आता हूँ, फेस डिलीट करता हूँ, उसका मटेरियल लॉस हुआ है अगर देखा जाए तो, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं रिटर्न एज लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट एंड ब्रिज कुछ इस तरीके से, इसको चाहिए तो इसके साथ लगा दो ऐसा कुछ। फिर यहाँ पर देखो कि एक एनगॉन आया हुआ है, ये देखो, तो मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स टारगेट वेल्ड, और इसको यहाँ से अटैच करवाऊंगा। तो ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आप कौन सी चीज किसके साथ करवाने वाले हो। तो ब्रिज ये देखो कुछ इस तरीके से, हो चुका। अब यहाँ पर काउंट करने पड़ेंगे सबसे पहले, जैसे कि देखोगे 1 2 3 4 तो यही पर हो चुके हैं। फिर भी मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके फिल होल करूंगा, कंट्रोल जेड, गलती से कुछ और सिलेक्ट हो गया था, फिल होल, और फिर रिटर्न मल्टी कट की मदद से अंदाजा हो गया 1 2 3 4, नहीं वाला भी मैं यहाँ पर कुछ इस तरह, और रिटर्न एच। एनगॉन से होता ही है ना, अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप टेक्सचरिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या इशू हो रहा है। अभी जैसे कि लगता है कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन वहां पर एक डेंट पैच आ जाता है, वहां का टेक्सचर बराबर दिखता नहीं। तीन कटी चाहिए ना। ट्रायंगल्स चलेंगे,
एसेट में ट्रायंगल चलेंगे, ये इनऑर्गेनिक है इसलिए। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक वर्टेक्स, और यहाँ से इस वर्टेक्स को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पैच टाइप दिखाना है कुछ इस तरीके से। तो एक गैप टाइप भी आ जाएगा, चाहिए तो इसको भी थोड़ा सा आगे ले ले लो कुछ ऐसा। जैसे ये आपका काम हो जाता है, देखो कि ब्लेड मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए, हाँ, इसकी एक बार हिस्ट्री क्लीन करके आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है मिरर करके, देखो मिरर ज्योमेट्री, उसके ऊपर क्लिक करो, ऐसा कुछ आएगा, और इस एरो को नजदीक लेकर आओ, ये देखो। लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा सा दूर रखो, और इसका जो थ्रेशोल्ड यहाँ पर दिया होगा, मर्ज थ्रेशोल्ड, ये कम करो, कोई कोई 0.5 के अंदर ही रखते हैं। ऐसा कुछ एक्सेस पोजीशन, यहां से हम लोग काम करते हैं ऑफसेट आज, जैसे कि कंट्रोल प्रेस करके, और यहां से थ्रेशोल्ड रिटर्न कम, रिटर्न यहाँ पे ऑफसेट बढ़ाता हूँ कुछ इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट मोड, ये देखो, तो आपका ब्लेड जो है कुछ इस तरीके। लेकिन देखोगे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसके लिए रेडी रहा करो, ये सब हम लोग को बाद में मर्ज करने पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई भी मर्ज करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा गैप होना जरूरी होता है, जो कि मैंने रखा नहीं था। जैसे कि एज ले लो, डबल क्लिक, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, फ्रंट व्यू में, मतलब टॉप व्यू में आ जाओ, आर आर दबाकर सारे एजेस को एक इक्वल कर दो। यहाँ के ये एजेस इक्वल नहीं हुए, आई थिंक सिलेक्ट नहीं हुए, मूव टूल की मदद से थोड़ा सा आगे ले लो, कौन से तो एजेस सिलेक्ट नहीं हुए, ये वाले फेस, ये फेसेस मेरे कुछ काम के नहीं है, ये भी क्लियर है। ये वाले थोड़े नीचे जाएंगे, हाँ, जैसे कि मैं क्या करता हूं, अभी ब्लेड के टाइम देखोगे प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा सा, तो मैं इस ब्लेड को थोड़ा सा एक्सट्रूड करूंगा, बहुत बारीक सा, यहाँ पर कुछ फेसेस का एरर आ रहा है, नहीं ठीक है। जैसे कि इतने फेसेस जो है मेरे, उनको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करूंगा, या फिर सारे ही फेसेस को ले लेता हूँ, थोड़ा सा एक एज हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ इतना। अब अगर मैं इसको करता हूं कंबाइन, यहां से मिरर, और यहां से थोड़ा सा ऑफसेट बढ़ाता हूं, तो देखोगे यहाँ पर एक एज भी आ चुकी मेरी। अब मैं थ्रेशोल्ड कम भी कर सकता हूं, और उसका ऑफसेट थोड़ा और बढ़ाओ, तो लास्ट में जाकर एक छोटे से पॉइंट तक मैं रख सकता हूँ, 0.9 आ रहा है, तो 0.8 वैल्यू डाल देता हूँ, 0.9, एंड इतना इतना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ, तो स्केल एक टाइप बनाएगा। हाँ, एक छोटा सा मैंने एज डाल दिया उसके बीच में, क्योंकि वो नीचे वाला जो पार्ट मैंने बनाया था उसमें डिस्टेंस नहीं था,
अगर आपने देखा होगा तो वो डिस्टेंस डालने के बाद कुछ इस तरीके से। तो ये सब करने से पहले ही बेवेल वगैरह भी कर दिया करो, जैसे कि जहां जहां पर आपको बेवेल की जरूरत हो, जैसे कि ये कुछ इससे नीचे का पार्ट बाद में लेता हूँ, पहले यहाँ के भी ले लेता हूँ बीच बीच के, जिससे कि थोड़ा और अच्छा भी दिखेगा। और ये काम होने के बाद ही करना है, पहले नहीं कर रहा है। इसकी जरूरत नहीं। ये हो गया, अब नीचे का पार्ट है ये, नहीं वो अपर पार्ट है ना ये। फिर यहां से भी मुझे थोड़ा सा स्मूथनेस चाहिए, बस ये सिलेक्ट करो, सॉरी ये भी चाहिए। ध्यान दो क्योंकि वो लूप नहीं है प्रॉपर, तो कुछ पार्ट छूट सकता है। कुछ इस तरीके से, एंड बेवल बेवल में एक सेगमेंट बढ़ाओ और फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ाओ एंड अपोजिट, ये देखा। ये जो लुक होता है वो अच्छा दिखाई देता है, प्लस इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे दिख रहा है गड्ढे टाइप सा। तो एजेस लो, ये जो एजेस है उनको सिर्फ सिलेक्ट करो, एंड शिफ्ट राइट क्लिक के साथ सॉफ्टन एजेस का इसके एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, कुछ इस तरीके से, और सॉफ्टन कर दें। अभी अगर देखोगे तो वो जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो इतना आपको बनाना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पीछे का पार्ट जो हैंडल है वो बनाएंगे पूरा का पूरा इसको।